इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है तो विच ऑन सैटरडे संडे है तो कुछ लोग नहीं बना सकेंगे तो इसमें फॉर्मेलिटी हुआ है और अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो काफी लोग इसमें मतलब फायदो कर सके। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया है कि हम मंडे नो एक दिन में शायद इनकम बन सके और ना बन सके वो तो अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। जी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो लिसनर हमारे से बात कर रही है कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये रजौरी से हैं लियाकत साहब। ओके जी, इसके अलावा भी और लोग चाह रहे हैं मतलब जिनका इनकम सर्टिफिकेट का है इशू। जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ना स्टेनोग्राफी के लिए और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी। एक चीज ठीक है, स्टेनोग्राफी के लिए और इसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एडमिशन के लिए। उसके लिए मैं बच्चों को डेट एक्सटेंड हो जाएगी, उसके लिए हम 15-20 दिन का भी टाइम बच्चों को दे देंगे। एक चीज, दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड, वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड आप जब भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, वो साथ के साथ हार्डली 5-10 मिनट में बन जाता है। जी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में था मैं तो इंशाल्लाह बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तो जल्दी तो जल्दी बना को तो बहुत अच्छा तुमने बच्चों। एक और कोई सवाल है मेरे के, अगर येड़ा एम्प्लॉयमेंट कार्ड बने ये किधर भी बन सके या अपनी जेडी डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच बने कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट के बीच? ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड बेटा आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, अगर रजौरी से हो आप तो रजौरी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बनेगा, अगर लद्दाख से तो लद्दाख, अगर कश्मीर से हो तो कश्मीर। अगर जम्मू के जो बच्चे हैं हमें सुन रहे हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वो हमारे गांधीनगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बनेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया सर। मजीद अगर किसी को सवाल हुआ है तो हम जरूर हैंड रेज करके हमारा स्पीकर पैनल में आ सके। निकट चौधरी साहब हैं हमारे प्रोग्राम के टीम मेंबर हैं और मैं कुछ कहना चाहें पूछते हैं ताल्लुक रखें। जी निकट चौधरी साहब, पूंछ में नेटवर्क की भी काफी दिक्कत रहा। शायद उन्होंने नेटवर्क के इशू है तो खैर तुम आगे बताओ प्रोग्राम ना। अगर किसी को सवाल है मंजूरुल हक लालवी साहब हमेशा हमारा प्रोग्राम आता रहे, जितना भी लोग हमारा साथी है प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है सारा जो मटेरियल है पंफलेट्स हैं हम जरूर प्रोवाइड करेंगे और बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुमने सुनियो प्रोग्राम थारो भी एक कंट्रीब्यूशन है गोजरी प्रोग्राम कामयाब बनाने में। जी तारक साहब मैं ना लेना चाहूँगा हमारे नाल इस वक्त जरा स्पीकर पैनल के अलावा हमारे नाल जुड़े हैं लोग उनको ना लेना चाहूँगा। मुकीत अहमद साहब हैं, सलीमा चौधरी साहब हैं और उनके नाल मोहम्मद कासम कसाना साहब हैं, कुलसुम चौधरी साहब हैं, सायमा साहब हैं, रोहिला साहब हैं। हमारे नाल बड़ा मुस्तकिल साहब है हमारा मोहम्मद शफी रिजवी साहब, जनाब मंजूरुल हक कलाइवी साहब हैं, शौकत साहब हैं, यूनस साहब और उनके नाल मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हकला साहब हैं, गुलाम हैदर साहब हैं, अली साहब हैं, मकसूद नक्शबंदी साहब हैं और आज़ाद सिंगर साहब हैं, मुदस्सर साहब हैं, मुदस्सर साहब और उनके नाल मारा ये मोहम्मद सादिक साहब, जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब मारा मुस्तकिल साहब हैं, तनु गुप्ता साहब हैं, अली साहब हैं, राना साहब, आयशा साहिबाएँ, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर नजमा साहिबा हमारे नाल प्रोग्राम में जुड़ी हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि सारा तें कि जेड़ा भी नवा साथी हमारे नाल जुड़े हैं वे स्पीकर पैनल में मॉडरेटर हजरात और बाकी स्पीकर पैनल में मौजूद हमारा मेज़बान समेत सारा ना फॉलो कर लें ताकि अगला प्रोग्राम की नोटिफिकेशन थारे तक जल्दी पहुँच सके। और हमारी यह कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम वक्तन फ़वक्तन समाज की 54 शख्सियतों ना इस प्रोग्राम में दावत देता रहा और ख़ास मौजुआ ना लेके गलबात करता रहा। तुम जरूर हमारे नाल जुड़े रहियो इस प्रोग्राम ना कामयाब बनाने में, थारो बहुत तावन है, हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं। तो इसके बाद तारक साहब मेरे ख्याल किसी को सवाल तो नहीं आ रहे हो, हम अखीर वाले पासे मुड़ा। जी जी, मैं ये कहना चाहूँ कि अगर किसी को कोई तासरात या कुछ भी कहना चाहें तो हम कह सकें
अलबत्ता कोई हैंड रेज नहीं कर रही हो तो टीम मेंबर्स विच निकट चौधरी साहिबा बोलना चाहे थी, शायद नेटवर्क की दिक्कत है जी जी। तो बहुत मतलब शुक्रिया की तहरीक वास्ते दावत दियो अब्दुल मजीद साहब साहब ने जी। तारक साहब ते सामीन कराम तमने तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पर आज को जो हमारा प्रोग्राम सोच विचार सिलसिला के तहत 18वीं किस्त पेश की जा रही थी, जिसमें हमारा आज का मेज़बान जनाब शहबाज चौधरी साहब था, जिन्हें नाल तमने बड़ा खूबसूरत अंदाज में उनकी गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करूँगा कि इससे मुस्तफीद होया होएगा। हूँ हमारा प्रोग्राम को वेला मुक्का लगो है तो हूँ दावते सुखन दूँगा जनाब हमारा साथी मॉडरेटर अब्दुल मजीद साहब और ना कि वे प्रोग्राम का इख्तिताम पर शुक्रिया की तारीख पेश करें। जी अब्दुल मजीद साहब। जी शुक्रिया मुश्ताक साहब। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ऑफ पेज पर मुनकदा गुजरी जुबान मा प्रोग्राम की 18वीं किस्त में हिस्सों लेने वाला तमाम सामीन को मेजबान टीम की तरफों शुक्रिया अदा करूँ। बिलखसूस आज का मेजबान स्पीकर जनाब शहबाज चौधरी उरां को बेहद मशहूर हाँ, जिन्होंने ना सिर्फ अपना कीमती वक्त दितो बल्कि हमना और तमाम सामीन ना आज का अहम मौजू के मुतालिक मालूमात दीती और सामीन का सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे दिता। दर्जा फरिश्त जातां और दर्जा फरिश्त कबीलों की पढ़ाई बेहतरी वास्ते मरकजी सरकार की तरफों बेरोजगार नौजवानों वास्ते स्कीम बारे हम सब ने तफसीली जानकारी दीती। नौजवानों वास्ते वास्ते मौजूद कोर्सां और उनको फायदो जान वास्ते तौर तरीका बारे दस्यो। इस वास्ते हम मेजमान स्पीकर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा और हम तमाम सामीन को भी एक बार फिर शुक्र गुजारा जिनने इस प्रोग्राम में हिस्सों लियो और हमारा प्रोग्राम ना कामयाब बनायो। इस उम्मीद नाल के तम आइंदा हमारा प्रोग्राम मा हिस्सों लेता रहेगा। हम इजाजत चाहवांगा एक बार फिर तमाम सामीन शबाज साहब कुछ अगर तुम मैसेज देना चाहे कोई भी गल कहना चाहे जा मारो। जो प्रोग्राम है हम पिछले चार महीने तू गोजरी को प्रोग्राम भी कर रहे हैं उर्दू को प्रोग्राम भी, तो तुम कोई पैगाम देना चाहे कि अवेयरनेस का जो हम प्रोग्राम करा इसका हवाले न कोई भी गल स्टेट का लोगों तक हमारा कबीला वाले लोगों तक पहुंचाना चाहे तो अपना मैसेज रिकॉर्ड करा दो। इजाजत लिया जी। मैं लास्ट में जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि आप जो लोग हैं हमारे पास जो है हमारे ऑफिस में आए हमारे पास आकर कोर्सेज की पूरी इंफॉर्मेशन ले, हम आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको पूरे तरीकों से समझाएंगे और इन कोर्सेज के बेनिफिट क्या हैं और ये कोर्सेज करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन के साथ ये डिप्लोमा कैसे एडअप करके आप जो है कि एक नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा अपने जो जे एंड के जितने भी एस टी जो है कम्युनिटी के हैं उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि जहाँ तक मुझे नहीं मेरी बात पहुंची है या अभी तक नहीं पहुंची थी, आगे से मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके आप तक ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंच सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है कि हमारी अखबार रेडियो के माध्यम से जितनी मेरी हमारी दफ्तर की कोशिश रहेगी कि कोई भी नया कोर्स अगर आता है तो उसके लिए हम आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हम आपको पहुंचने की आपके तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मेरा जो है कि लास्ट में सभी को मैसेज है कि खुश रहिए और जो है कि आने वाला अपना फ्यूचर है अच्छा बनाइए मेरे बच्चों। जी जी शुक्रिया शहबाज साहब। जी जी आज का प्रोग्राम इतने अख्ताम पर पहुंचा है। तमाम साथियों को तमाम मेहमान शख्सियत को बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने बहुत ही कीमती टाइम दिता और कीमती गल दसी। हम इंशाल्लाह तुम जड़ी भी चीज इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर सेंड करेगा हम इंशाल्लाह मेरा रابطہ में जितना भी लोग हैं ऑडियंस विच हुए हैं जहां दूजा है सारा नो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो मटेरियल प्रोवाइड करा ऑडियोस की सूरत में पंफलेट्स की सूरत में ताजे बच्चा जड़ा है अपने अंदर स्किल ले आके तो अपनी जिंदगी खुशहाल बना सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।
तुझे स्टेनोग्राफी का कोर्स करना है और मुझे सॉफ्टवेयर का। हाँ, पर इन कोर्सेज के साथ साथ अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी हो जाए तो इससे बढ़िया क्या होगा। शुक्र है नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC ST का, जो फ्री ट्यूशन, फ्री बुक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के साथ जॉब फेयर भी लगवाते हैं, साथ ही 1000 रूपए मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। 29 नवंबर से पहले एनरोल कराए। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जम्मू। कॉन्टैक्ट शाबाज चौधरी SREO जम्मू। कॉल 01912455521।